मैं हूँ जोया खान और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारे एक नए प्रोग्राम में जिसका नाम है नागपुर की नौ देवियाँ। जी हाँ, हम उसी सिलसिले में आज मौजूद हैं हमारे नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है मिसेस श्वेता शिलगांवकर। और काफ़ी आपने नाम सुना होगा, जब एक बड़े से हम प्रोग्राम्स में जाते हैं या बड़ा कोई एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उस वक्त वो हमें प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करते हैं, वहाँ एंकरिंग करते हुए दिखते हैं। तो जी हाँ, हम यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से हम मुलाकात करते हैं। नमस्कार श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं एक स्लोगन एक कहना चाहती हूँ कि जो नारी शक्ति है उसकी उड़ान में ना कोई शिकायत होती है और ना कोई थकान होती है। तो हम उसी सिलसिले में आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैम, सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप प्रॉपर कहाँ से हूँ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ जोया, जबलपुर से हूँ। नर्मदा का पानी वाओ, आप उसको क्रेडिट दे सकते हो जो कुछ मिला है उसके लिए। जी ज़रूर। आपकी पढ़ाई, मतलब आपका जो जर्नी रहा है अब तक, वो आप हमें शेयर कर सकती हो? जो आपकी जर्नी अब तक, आपने ज़िद एक थी आपकी, तो वो बस हमें आप शेयर कर सकते हो ताकि हमें भी आपसे बहुत कुछ प्रेरणा मिल सके। देखिए, एक तो ये है, जर्नी की जो शुरुआत हुई ना, वो तो बचपन में घर के माहौल से हुई। मेरे मामा राजेश मिश्रा मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और मेरे डैडी स्वर्गीय रामाधार शुक्ला वो कविता लिखते थे बहुत अच्छी, साहित्य में। मम्मी की भी रुचि है, मैत्री शुक्ला मेरी मम्मी का नाम है। तो मेरे घर में जो वातावरण था वो साहित्यिक और कलात्मक था, और ऊपर से बचपन मेरा ननिहाल में गुजरा जहाँ पर आसपास खेलने को कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन नाना जी की किताबों से भरी अलमारी थी तो मैं अपना समय व्यतीत करने के लिए वो किताबें पढ़ती थी बचपन में। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी बड़े साहित्य ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। फिर धीरे धीरे वो किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई और इतना कुछ पढ़ लिया तो उसे अभिव्यक्त करना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं हुआ। तो बहुत छोटी उम्र से उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला कार्यक्रम जबलपुर में हुआ था, अहिंसा सम्मेलन जैन समाज का। मैं तब छठी कक्षा में थी तो वहाँ मुझे 5 मिनट बोलने के लिए कहा गया और लोगों को मेरी बात, मेरा बोलना इतना अच्छा लगा कि वहाँ से एक शुरुआत हो गई। तो एक पब्लिक स्पीकर के तौर पे मेरी पहचान बनी मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में। यहाँ अपना सुभाष रोड पे जो गीता मंदिर है वहाँ मैं आई थी जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, वहाँ पर मेरा प्रवचनों का कार्यक्रम हुआ था। इस तरह था, चलती रही चीज़ें। फिर मैं साइंस लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा हुआ, यहाँ ध्यान कम हुआ, वो गतिविधियाँ थोड़ी सीमित हो गई। उसके बाद मैंने MSc किया फिजिक्स में विथ स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो बाद में BSNL बना उसे ज्वाइन कर लिया और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड मिस्टर रवि शिलगांवकर से। आई वॉज श्वेता शुक्ला देन। ओके। तो फिर रवि जी से विवाह के बाद नागपुर आ गई और नागपुर में ये हुआ कि क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, लोगों को पता था, तो BSNL के कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार मैं अटेंड करूँ, मैं उनको होस्ट करूँ, वो मैंने किए। तो बाहर के लोगों ने मुझे सुना, SBI ने सुना और कुछ संस्थाओं ने, तो उन्होंने मुझे एज ए एंकर उनके कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया और फिर यहाँ मेरी पहचान धीरे धीरे एक एंकर की हो गई। वाओ, दैट्स राइट। मेरा एक ये भी सवाल आता है कि आपने, मतलब जो अपने घर का एक वातावरण होता है, क्योंकि बात जब लड़की की आ जाती है तो कहीं ना कहीं वातावरण थोड़ा सा बदल सा हो जाता है क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो आपके घर का जो बचपना गुजरा है, आपका जो वातावरण था वो किस तरीके का था? रिस्ट्रिक्शन वो कुछ तो थे जो अपने यहाँ पे होते हैं ना, कि भाई बाहर जाने का समय या आप ऐसे किसी भी मित्रों के यहाँ, सहेलियों के ऐसे नहीं जाएंगे, वो चीज़ें थी। पर पढ़ने लिखने में या आपको कोई काम करना है, कहीं आगे बढ़ना है, उसके लिए पूरा सपोर्ट था, उसके लिए सहयोग था, तो वहाँ कोई समस्या नहीं थी। जैसे जब BSNL में ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग के लिए नागपुर आई थी, तो यहाँ तो हॉस्टल में रही थी। और जब उससे पहले भी मैं प्रोग्राम्स के लिए मुझे बाहर बुलाया जाता था, दिल्ली भी गई हूँ और बनारस भी गई हूँ, काफ़ी जगह, तो पेरेंट्स साथ में आते थे, ज़्यादातर मम्मी साथ में आती थी। तो वो एक लड़की के लिए कुछ जो सामाजिक बंधन होते हैं उन्हें समझते हुए वो कितना हमारा साथ दे सकते हैं उतना उन्होंने दिया।
तो कहीं हमें ऐसे रोका नहीं कि नहीं तुम लड़की हो तो ये नहीं करो, वैसा कुछ नहीं था, काफ़ी सपोर्ट था। और सौभाग्य मेरा यह रहा कि ससुराल भी मुझे उस तरह की मिली, कि मेरे ससुराल वाले भी बहुत सपोर्टिव रहे। अभी तो मेरे ससुर जी और सास नहीं हैं दुनिया में, लेकिन जब यहाँ पे भी मेरी शुरुआत हुई तो जैसे कामठी में एक बार एक कार्यक्रम था, देर रात चलना था क्योंकि इंडो पाक मुशायरा था, तो अकेले तो कैसे जाऊंगी, मेरे ससुर जी मेरे साथ आए थे, तो वो एक उन लोगों ने सपोर्ट एक रखा हमेशा कि किसी वजह से भी तुमको ये ना लगे कि अगर मैं लड़की ना होती तो ये कर पाती, उसके लिए घर वालों का सहयोग जब हो तब हम कर पाते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि सामाजिक स्थितियाँ जैसी हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे होते हैं, तो हम घर वालों को दोष नहीं दे सकते अगर वो हम पे बंधन लगाएं कि तुम अकेले मत जाओ या इस समय मत जाओ, हम उनको दोष नहीं दे सकते, परिस्थितियाँ वैसी हैं वहाँ। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि कोई घर का आपके साथ हो, वो मुझे मायके और ससुराल दोनों में मिला, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि आपने भाषाओं में भी आप काफ़ी प्रचलित मानी जाते हो, रही बात उर्दू की हो, मराठी की हो, हिंदी, इंग्लिश, तो ये आपके माइंड में, मतलब ये जो संकल्पना थी वो कहाँ से आई कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि हर किसी का एक लक्ष्य होता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आपके माइंड में ये कहाँ से संकल्पना आई, ये आइडिया कैसे आया कि मुझे करना है इस फील्ड में? मुझे क्योंकि मौके मिलते गए और अच्छा लगता था मुझे, और शुरू में मेरे मम्मी डैडी का काफ़ी गाइडेंस था क्योंकि भाषाओं पे उनका भी अधिकार, ख़ासतौर पे डैडी से मैंने ये चीज़ सीखी कि वो बोलते थे कि जब आप कोई भाषा बोलते हो उसमें आपका आंचलिक लहजा, रीजनल टच नहीं आना चाहिए, आप हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलिए। तो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए जब मैंने यहाँ आकर मराठी सीखी तो कोशिश ये थी कि मराठी बोलूँ तो हिंदी भाषी मराठी बोल रहा है ऐसा ना लगे, वैसे ही उर्दू में जो नुक्ते वाले अल्फाज हैं तो उनका साफ उच्चारण, वो क्योंकि डैडी कविता मुशायरे इससे उनका हमेशा रहा, दूरदर्शन पे हम लोग मुशायरे देखते थे, कभी हम कुछ गलत उच्चारण कर रहे हैं, कोई साफ नहीं बोलेंगे तो वो टोकते थे, नहीं बेटा ये ऐसे बोला जाता है, तो वहाँ से वो चीज़ दिमाग में बैठ गई। और फिर लिखना, पढ़ना, सुनना, भाषाओं पर कमांड करना है तो उसका ये ज़रिया है। जी, बिल्कुल सही कहा। तो आपकी ये जो आपका जो ये प्रोफेशन है, इसमें कभी ना कभी आपको तो कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा जब ये फेस करने में आपको प्रॉब्लम हुई, या फिर कुछ ऐसा पल हुआ होगा आपके लाइफ में, ऐसा पल आया होगा जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए हो? जिसे अभी तक भूल नहीं पाई हो, ऐसे कई मोमेंट्स हैं, जैसे कि अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो अपनी मेडन विजिट पर नागपुर आए पहली बार पीएम बनने के बाद, तो वो बड़ा कार्यक्रम था मेट्रो का, उस समय आधारशिला रखी जानी थी, अब तो मेट्रो दौड़ रही है नागपुर में, तो जब वो आए तो उस कार्यक्रम के लिए पूरा नागपुर बड़ा बड़ा उत्साहित था, और मुझे भी बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि भाई प्रधानमंत्री के सामने ऐसा हो वैसा हो। आखिर मैंने आयोजकों को आश्वस्त किया कि देखिए वहाँ मैं नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, केवल एक मंच संचालिका नहीं हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। कस्तूरचंद पार्क में हुआ था आयोजन, वो बहुत अच्छा, बहुत अविस्मरणीय आयोजन था। और उसके बाद जैसे मुंबई में मैंने किए हैं कुछ कार्यक्रम जिसमें फिल्मी जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, आशा भोसले जी, आमिर खान, महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड लोकमत के द्वारा किया जाता है वो, दिल्ली में मैंने पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2 बार उसे होस्ट किया है, इस तरह के जब कार्यक्रम रहे, या मैंने किसी बहुत बड़े कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा जी हों या गिरिजा देवी हों, इन लोगों के सांगीतिक कार्यक्रमों को जब किया है, तो वो कैसे अनुभव थे कि वो केवल एक मंच संचालक होने का अनुभव नहीं था, वहाँ बहुत कुछ सीखने मिला पूरे आयोजन की प्रक्रिया से, आयोजन के पहले इन लोगों का जो व्यवहार होता है कलाकारों का, कैसे वो उस समय उस माहौल में डूबते हैं, कैसे वो अपने आप को मंच पे प्रस्तुत करते हैं, उसको देख के मैंने ये सीखा कि कोई अगर बड़ा होता है उसके पीछे उसकी मेहनत और उसका समर्पण होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी किस्मत में था तो ये बड़े हो गए, ऐसा नहीं है, तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, वो मैंने भी सीखा। जी बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहती हूँ और ख़ासकर मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि एक शादी, जब एक लड़की औरत की शादी होती है तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं उस मोड़ पे चले जाती है कि एक डर सा मन में आ जाता है कि जो ज़िंदगी अब तक थी कहीं ना वो बदल ना जाए, तो आपके जो
हस्बैंड थे, उनकी क्या भूमिका थी आपके ज़िंदगी में और इस फील्ड को लेकर उनकी क्या भूमिका रही, क्या रोल प्ले किया उन्होंने? ऐसा हुआ कि शेलगांवकर परिवार में डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो हैं, बड़े बड़े अपने अपने फील्ड में लोगों ने काम किया है, कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि अगर अपने परिवार में कोई कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ आए तो कितना अच्छा होगा। तो मेरे आने से उनकी वो इच्छा पूरी हो गई, इसलिए खुशी तो बहुत थी सबको। अब क्योंकि इस क्षेत्र का अनुभव तो नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर कभी कुछ लादने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो यही बोलते थे कि हम तो इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, तुम जानती हो, हम सहयोग पूरा देंगे, जो करना चाहती हो करो। वही भूमिका मेरे पति की रही है। हाँ, घर की जिम्मेदारियाँ पहले आती हैं, वो हम भी समझते हैं, और बच्चे छोटे थे तो थोड़ी कई बार तकलीफ़ भी होती थी, तो बहुत बार हुआ है कि उन्होंने संभाला है, कभी देर हो गई तो वो वेन्यू पे फिर लेने भी आ गए हैं। तो एक मैं ये करती थी कि जब तक मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं बाहर के कार्यक्रम ज़्यादा नहीं स्वीकार करती थी, क्योंकि मैं बहुत करियर माइंडेड या बहुत एम्बिशियस महिला नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अपनी और अपनों की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी स्काई इज़ द लिमिट। आप कितना भी दौड़ो 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 एम्बिशंस के पीछे, एक जगह तो जाके रुकते ही हो, तो खुद को और अपनों को तकलीफ़ दे के भागने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा ये था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, तो मैं बाहर के असाइनमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेती थी। उसके बाद जब इस फील्ड में काम बहुत बढ़ने लगा, तो मैंने फिर एक दिन अपने पति से बात की कि क्यों ना मैं नौकरी छोड़ दूँ। पहले ये निर्णय एकदम आसान नहीं था, उनको भी लगा कि सोच विचार कर लो, लेकिन उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला। वो बोले, अंतिम निर्णय तुम्हारा है, अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस फील्ड में ज़्यादा काम है और हम कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे तो ये काम छूट जाएगा और दोनों संभालने जाएंगे तो घर छूट जाएगा, ये असमंजस आ रहा था 2-3 साल पहले। तो फिर मैंने 2018 में BSNL की अपनी नौकरी छोड़ दी, तब मैं वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में एज अ सब डिविजनल इंजीनियर थी। वो पीरियड भी मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, ट्रेनिंग सेंटर के लोग, उनका अनुभव, और ट्रेनिंग सेंटर में पूरे देश के लोग आए तो उनकी संस्कृति को भी जानने का मौका मिला, विदेश के लोग भी आए, तो बहुत कुछ वहाँ पे भी मैंने सीखा है। जी, मेरा कुछ घर से रिलेटेड अभी एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी पहले से इस फील्ड में आप हो, आपने उस दौरान आपने नौकरी भी की, आपने ये सब मैनेज किया, आप घर का भी मैनेज करते, तो ये सब आप मतलब मैनेज कर पाते थे या टाइम शेड्यूल कुछ ऐसा आपका था डिसाइड कि नहीं ये वक्त यही करना है और इस वक्त मुझे यही करना है? क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर कोई औरत आगे बढ़ना चाहती है तो उसे कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों में बांध के रहना पड़ता है, वो उसी में उलझी हुई रहती है, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? उसके लिए घर वालों का सहयोग ज़रूरी होता है, उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आपको बोल दें कि नहीं ये करना ही है, फिर आप क्या करेंगे, है ना? तो एक तो ये, और दूसरा कार्यालय का वातावरण। तो जब मैं नई नई ज्वाइन हुई थी तो जो मेरे सीनियर्स थे काफ़ी बड़ी उम्र के, उन लोगों ने भी एक बेटी की तरह एक सहयोग दिया वहाँ पर, जैसे मराठी सीखने में मुझे उन लोगों ने सहयोग दिया। तो घर वालों का और वर्क प्लेस का, दोनों का मुझे सहयोग मिला। और कई बार मुश्किल तो हुई, जैसे कभी हुआ, एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी औरंगाबाद BSNL की ओर से, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, मैं उनको साथ में लेके गई थी, और वहाँ जाके मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, और मेरे साथ जो कुलीग गए थे वो भी बीमार हो गए थे, तो उनकी भी क्लास मुझे लेनी पड़ी थी और मेरे बच्चे भी बीमार थे। पर ये अच्छा हो गया कि उस समय वहाँ हमारे ही एक पारिवारिक मित्र थे जो BSNL के कुलीग भी हैं, उनके परिवार ने मदद कर दी थी। तो ऐसी मुश्किलें तो आई हैं कभी ना कभी, पर ये होता है कि आपके साथ लोग होते हैं मदद करने वाले, फिर उसमें आपके हाउसमेट जो हैं हेल्प, वो भी हेल्प करते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हमें एक ऐसी लड़की मिली थी जो केवल उस दिन छुट्टी लेती थी जिस दिन मैं घर पे हूँ, तो क्योंकि मेरी सास भी बुज़ुर्ग थी, उन पे कैसे बच्चों की जिम्मेदारी डालूं, तो वो दिन भर घर की बेटी जैसे, बड़ी बहन जैसे इन लोगों के साथ रहती थी। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।
अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ये सब चीजें ना होती फिर नहीं हो पाता, वो जरूरी था सबका सहयोग मिलना। जी वो तो बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि बिना सहयोग के तो ये हो ही नहीं पाते। हाँ। जब सबका सहयोग मिलता है तभी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी जिद पूरी करते हैं। तो और यहाँ मुझे ये भी कहना है कि जैसे कई बार हम लोग महिलाएं क्या होता है, हम ना सुपर वुमन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। यानी हमें ये लगता है ना कि ऑफिस में भी हमें सब लोग कहें कि बहुत मेहनती है, घर पे भी सब लोग कहें कि ये तो कोई कमी नहीं रहने देती, तो अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ने लगेंगे तो हमारी हेल्थ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो नहीं करना चाहिए। जहाँ हो सकता है आप लोगों की मदद लीजिए, चाहे फिर वो मेड्स हों, चाहे वो घर के लोग हों, फ्रेंड्स हों, कुलीग्स हों, तो थोड़ा सा मतलब ना कहना भी कई बार ज़रूरी होता है कि नहीं भाई इससे ज़्यादा तो हमसे नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा हेल्प करें। उस सिंड्रोम की मैं भी कई बार शिकार हुई हूँ, बट टाइमली मुझे किसी ना किसी ने टोक दिया है, कभी मेरे हस्बैंड ने या किसी सहेली ने, कि देखो तुम अपनी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर लोगी। तो फिर वहाँ तुरंत मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे रुकना चाहिए, एंड देन आई सीक हेल्प कि नहीं प्लीज़ यू हेल्प हियर, प्लीज़ यू हेल्प देयर। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड नेवर ट्राई टू डू दैट। कुछ होता नहीं, क्या है आप 10 साल करोगे कोई गिनेगा नहीं, 11वें साल मना कर दोगे सब आलोचना करने लगेंगे, ये ऑफिस घर हर एक चीज़ के लिए। तो बेटर है कि अपने लिमिटेशन सेट कर दो कि हम इतना कर पाएंगे, इससे आगे प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ समवन और यू प्लीज़ हेल्प मी, वो ज़रूरी है। जी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है अपने आर्टिस्ट, ये मैसेज से कहीं ना कहीं औरतों को एक हिम्मत जो है वो मिलती है और ज़रूर मिलेगी। तो मेरा ये एक सवाल है कि जैसे कि आपकी जो ज़िंदगी रही है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर रही है और आगे भी ऐसी ही रहे, तो इसी सिलसिले में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी पल आया होगा जिसको आप काफ़ी मतलब जो होता है ना कि इस पल मुझे सब कुछ हासिल हो गया है, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है, ऐसा कोई एक पल आपकी लाइफ में ज़रूर आया होगा क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े शोज़ किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, तो ऐसा कोई पल आप साझा करना चाहोगे? एक्चुअली उसका क्या है, ये मेरा एम्बिशन कभी नहीं था, ना मैंने कभी ऐसे ड्रीम किया कि मैं इस स्टेज पे जाऊँ, मैं वो करूँ, तो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है ना, तो मेरे लिए हर मोमेंट बड़ा अच्छा रहा है और मैंने उस जर्नी को और उस मोमेंट को बहुत अच्छे से जिया है। क्योंकि अगर मैं ड्रीम करती कि मैं ये करूँ वो करूँ तो होता कि मैं कह सकती आपसे कि मैंने ये सपना देखा था और वो पूरा हो गया। तो मेरे लिए मेरे लाइफ के सारे मोमेंट्स बहुत स्पेशल रहे हैं, चाहे फिर वो मेरे जॉब लगने का हो, मेरे बच्चों के आने का हो, मेरे हस्बैंड से मेरे मिलने का हो, या फिर वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हों जो अब तक मुझे मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत प्लान ना करें ना, तो देन गॉड प्लान्स वंडरफुल थिंग्स फॉर अस एंड देन लाइफ अमेजेस यू और सरप्राइजेज यू एवरी डे। सो बी रेडी फॉर दोज सरप्राइजेस। सो आई एम रेडी फॉर मोर सरप्राइजेस फ्रॉम लाइफ एंड दोज सरप्राइजेस कैन बी समथिंग बिग ऑन स्टेज और समथिंग वेरी स्मॉल इन फैमिली एज वेल। मेरे लिए वो वैसा मैटर नहीं करता, मैं एक छोटे से फैमिली फंक्शन में भी वो एक्सटेटिक खुशी का मोमेंट महसूस कर सकती हूँ जो मैं कभी किसी सेलेब्रिटी के साथ किसी प्रोग्राम में कर पाऊँगी, ऐसा है। तो इसलिए मेरे लिए जर्नी वैसी है वो, इट्स नॉट लाइक कि प्लान ड्रीम एंड अचीव, इट इज़ लिव द मोमेंट एंड टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू। तो उससे क्या होता है, मेरे दिमाग पे कोई प्रेशर भी नहीं है। जैसे अभी कोरोना पीरियड था, बहुत लोग परेशान हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, कई महीनों तक कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कई बार बोलते थे कि मैं तुम्हें कभी ऐसे देखता नहीं हूँ कि तुम खींच गई हो या झुंझला रही हो कि क्या यार कुछ करने नहीं मिल रहा है, यू आर एन्जॉइंग योर हाउस होल्ड कोर एंड। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज लाइफ ने ये मोमेंट दिया है, आज इसका हम अनुभव ले रहे हैं। कल एक मोमेंट ऐसा आता है कि बहुत दौड़ रहे होते हैं, आज इस शहर में चले गए, कल वहाँ चले गए, कल उसका अनुभव ले लेंगे। सो एक्सपीरियंस, लाइफ इज़ वंडरफुल एवरी डे एवरी मोमेंट।
यस दैट्स ट्रू. तो जैसे कि इस ये जो क्षेत्र है, ये जो एक फील्ड है, काफ़ी लड़कियाँ आजकल जर्नलिज्म में या फिर एंकरिंग में काफ़ी लड़कियाँ मतलब जाने की राह पर है. बहुत से ऐसे हो जाता है कि आजकल जो टेंडेंसी हो गई है लड़कियों की, डॉक्टर तो हर कोई बनता है या इंजीनियर आईएएस आईपीएस जो भी है हर कोई बनता है, मुझे ये करना है. तो आप अपने थ्रू मतलब हमारे थ्रू आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, इस फील्ड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ तक सेफ है कहाँ तक नहीं है? इसमें देखिए कई चीज़ें हैं, जैसे आप एज ए एंकर या होस्ट या मैं ट्रेनर भी हूँ, मतलब काफ़ी वाइड फील्ड है. तो पहले तो आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा तैयार करें, और वो तैयारी उम्र भर चलती है, मतलब वो लर्निंग चलती रहती है, एवरी डे इज़ अ लर्निंग, वो आपको करना है. जितना आप तैयार होगे, यानी आप लैंग्वेज पे अपने नॉलेज पे जितना काम करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप अच्छा और नया प्रेजेंट करोगे लोगों को, वो एक चीज़ है. दूसरा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आप हेल्दी हैं, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा डाइट लें, वो योग मेडिटेशन वो चीज़ें. तो आप अगर हेल्दी बॉडी देन यू हैव हेल्दी माइंड हेल्दी हार्ट एंड देन यू हैव ग्लो स्माइल एवरीथिंग ऑन योर फेस बिकॉज यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल एंड दैट के नॉट बी ओनली थ्रू मेकअप, इट कम्स फ्रॉम योर इनर ग्लो. तो वो ज़रूरी है. फिर सेफ्टी की जैसे आपने बात की, तो क्या है हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं. तो एक तो ये कि आप अपने आप को कैसा कैरी कर रहे हो, कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, और किसी को आप किस हद तक आपके नज़दीक आने की छूट दे रहे हो, वो लिमिट्स आप अगर पहले तय कर लो जहाँ भी आप जा रहे हैं, ऑफिस में या कहीं एज अ फ्रीलांसर किसी ग्रुप के साथ नए ग्रुप के साथ, तो वो आप लोगों को मैसेज दे दो अपने बर्ताव से अपने बिहेवियर से. तो फिर वो कोई किसी भी तरह का हो, वो इंसान किसी भी तरह का हो, वो आपके साथ लिबर्टी लेने की कोशिश नहीं करेगा. लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मैसेज नहीं समझते, या वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप में कि उन्हें लगता है कि वो तो हर किसी को अपने लपेटे में ले सकते हैं. तो ऐसे लोगों के साथ सख्त भी होना पड़ता है, या कभी कानून की मदद आपको लेनी पड़ जाए तो वो भी करनी पड़ती है जी. वैसा भी होता है. तो उसमें भी झिझकिए मत. ये एक गलत फहमी जो लोगों के दिमाग में है कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो शायद उसने ऐसा इन्वाइट किया हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो आप ये मत सोचिए कि मुझसे ही कोई गलती हो गई है कि इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है. नहीं, पहले तो गलत को उसी से पॉइंट आउट कर दीजिए. वो ना समझे तो किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर करिए, ऑफिस में आपके जो हायर अप्स हैं उनसे, और नहीं तो फिर गो द लीगल वे. यू हैव टू डू दैट. नो, एब्सोल्युटली राइट. अभी बात करें हम धार्मिक एक वे आता है, क्योंकि शुरुआत हमने इस प्रोग्राम की नवरात्रि से की है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व अभी शुरू होने जा रहा है. तो आप नवरात्रि किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और क्या तैयारियां शुरू हो जाती है आपकी नवरात्रि आने पर? नवरात्रि के दो पक्ष हैं. एक तो उसका है फेस्टिविटी, उत्साह वाला है कि अभी बादल बारिश सब चले गए और जो माहौल है फेस्टिव हो गया है, तो वो एंजॉयमेंट पार्ट है. दूसरा इसका पार्ट है स्पिरिचुअल, कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करना है. तो वो दोनों पार्ट पे मैं काम करती हूँ. हमारे यहाँ जो ये उपवास का ट्रेडिशन है, चाहे वो आपके रोज़े ले लो, हमारे नवरात्रि के उपवास ले लो, ये इनर क्लेंजिंग के लिए है, क्लेंजिंग ऑफ बॉडी एंड क्लेंजिंग ऑफ माइंड. तो वो उपवास का ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ. और पूजा का तो हमारे यहाँ घट स्थापना होती है शिलगांवकर परिवार में, और उस समय अष्टमी में सब लोग मिलते हैं, तो वो एक पारिवारिक आयोजन भी होता है जी. बेटी को मेरे गरबा का शौक है. अब पिछले बार तो हम नहीं जा पाए, मगर उससे पहले अब इस बार देखते हैं कहाँ मौका मिलता है, तो एक दो दिन हम वो भी इंजॉय करेंगे. और इनर ग्रोथ के लिए जैसे कुछ ना कुछ ध्यान या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फिर वो हो सकता है आप कोई ग्रंथ का पारायण करो. जैसे चैत्र नवरात्र में मैंने रामचरितमानस का 9 दिन का पारायण किया था. इस बार मैंने सोचा है कि इस नवरात्र में मैं दुर्गा सप्तशती का करूं. तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनको हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऐसे पूजा के समय पढ़ लिया, रिचुअल जैसा करके छोड़ दिया, पर उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो मैसेज है, वो आपकी इनर ग्रोथ के लिए, और आप डे टू डे लाइफ में आपको जो एक एनर्जी चाहिए ना सब कुछ करने के लिए, वो उससे मिलती है अगर आप उसे वैसा देखो. तो मुझे लगता है हमारी रिलीजियस बुक्स सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, और हमको बीच बीच में उनको ज़रूर पलटाते रहना चाहिए, इस हिसाब से कि लाइफ के इस मोड़ पर
मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है जो शायद मुझे यहाँ मिल जाए। तो मेरे लिए फेस्टिवल्स का एक वो पहलू भी होता है, उस हिसाब से भी तैयारी है। कहा जाता है कि हम एक होता है ना कुलदेवत होता है, या फिर हम पर्टिकुलर किसी एक देवी को सबसे ज़्यादा हमारी मान्यता होती है, चाहे वो अंबाबाई हो चाहे वो कोल्हापुर की माँ तुर्जा। तो आप सबसे ज़्यादा कौन से देवी को पूछते हो? शेलगांवकर परिवार की कुल देवी रेणुका माता हैं, और देवी का अनुभव हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत अलग सा रहा है। मैं, आपने सवाल पूछा तो मैं शेयर करती हूँ आपसे। देखिए, मैं जहाँ से हूँ जबलपुर, तो वहाँ दीक्षितपुरा में भी एक छोटा देवी माँ का मंदिर है, और एक छोटी सी शुरुआत मेरी वहाँ पर बोलने से हुई थी, तो वो एक देवी का आशीर्वाद आप कह सकते हैं। वहाँ त्रिपुर सुंदरी माँ है जहाँ हम लोग हमेशा दर्शन को जाते हैं, और लोग हैं ना मन्नत मांगते हैं कि उनको बेटा हो। मेरे पति ने जब हमारा दूसरा बेबी आने वाला था, पहला हमारा बेटा आया वो जन्माष्टमी के दिन आया, तो हमने उसका नाम कान्हा रखा। दूसरा बेबी जब आने वाला था तो मेरे पति ने उनको जितने भी देवियों के नाम पता थे सबकी मन्नत मांगी कि मुझे बेटी चाहिए। और सब लोग अपने यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग कुछ देख के बोलते हैं ना, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं, ऐसा लगता तो नहीं इनकी इच्छा पूरी होगी, ऐसा लगता है इनके यहाँ तो बेटा आएगा। लेकिन महालक्ष्मी का वो दिन था, अपने यहाँ गणपति में जब महालक्ष्मी बैठती हैं, उस दिन हमारी गौरी आई, इसलिए हमने उसका नाम गौरी रखा है। और जब गौरी आई तो इन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, उस समय वो रेणुका माता के मंदिर में थे, तो वो बोले देखो तुम्हारी ये शुभ समाचार सीधे मैं माँ को बता रहा हूँ, उनके चरणों में ही अर्पित कर रहा हूँ। तो वो ऐसा एक देवी का आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहा है हमेशा से, और हम क्योंकि वो पारिवारिक परंपरा भी है, तो जब भी होता है हम लोग सब पूरे परिवार के लोग मिल के माहौर में रेणुका माता के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पे हमेशा उनकी प्रार्थना तो करते हैं जी, आशीर्वाद हमेशा बना रहे माता रानी का। तो मेरा कुछ ये भी सवाल है कि नवरात्रि के वक्त तो मतलब अभी जैसे सब कुछ खुलने वाला है 7 तारीख से जो घोषणा की गई है अभी कोविड के चलते, लेकिन फिर भी लोग अभी भी लापरवाही है, तो आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि कोविड अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय है 7 अक्टूबर का, जो सब कुछ ओपन हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है, धार्मिक बातें अगर अपन करते तो वो सही है एक हिसाब से, लेकिन अगर आप कोविड का जो डर है, कोविड का जो है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है और आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस दौरान? देखिए, यहाँ पे एक बात कहनी है कि ज़िंदगी तो चलती रहेगी, हम काम बंद नहीं कर सकते, मगर दूसरी तरफ सावधानी भी रखना ज़रूरी है। मतलब दो शब्द हैं, एक है डर, दूसरा है सावधानी। बिल्कुल डरिए मत, मगर बहुत सावधान रहिए, वो ज़रूरी है। अब हम भी निकल रहे हैं कोरोना काल में, जैसे हम लोग स्टूडियोज़ में जाके करते थे कार्यक्रम, तो हम कुछ बेसिक रूल मानते थे कि हम मास्क लगा के जाएंगे, एंटर हुए तो अपना माइक अपनी बैठने की जगह सैनिटाइज करेंगे, बैठेंगे, कोई हंस रहा है भैया ठीक है मेरी मम्मी ने बोला है मैं फॉलो करती हूँ। और अभी भी हम बाहर तो जाना ही है, अब जैसे मैं हैदराबाद गई थी एक प्रोग्राम के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, हैदराबाद गई थी मैं, तो हम वही फॉलो कर रहे थे कि मास्क लगाना, अपने माइक को प्लेस को सैनिटाइज करना। कई लोगों से संपर्क में तो आई, वहाँ मैं मेरी कज़िन से मिली और इस दूरी पे थे हम लोग, उसने भी मास्क लगाया था, मैंने भी लगाया था। उससे मिलने के बाद नागपुर आई, पता चला कि वो 2 दिन बाद कोविड पॉजिटिव आई है। तब वी ऑल कैप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और हमें कहा गया जो रूल्स थे मैंने फॉलो किए, आइसोलेशन में चली गई, और फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आज टेस्ट कराओगे तो फॉल्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको 5 से 7 दिन लगते हैं, तो आप आइसोलेशन में रहो, 72 आवर्स के बाद टेस्ट कराओ। तब टेस्ट कराया, मन में कहीं ये तो था कि क्योंकि हमने सैनिटाइजेशन और मास्किंग फॉलो किया है और आई एम डबल वैक्सीनेटेड, तो मुझे नहीं किया होगा शायद, तो नहीं हुआ था, आई वॉज निगेटिव। तो मुझे लगा कि शायद वो सावधानी जो बरती थी वो काम आ गई, क्योंकि बहुत बार हुआ है बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में, अब हम पब्लिक फील्ड में हैं तो लोग आ जाते हैं। तो वही है, आप बाज़ार जाओगे आप मास्क लगा के रखो, और कम से कम थोड़ा सा दूरी, सस्ते के चक्कर में बहुत भीड़ वाले बाज़ार में मत चले जाओ। मंदिर खुल जाएंगे आप मंदिर भी जाओगे तो मास्क लगा के रखो, कोशिश करो ऐसे टाइम पे जाओ। मैं जाती हूँ नवरात्रि में अर्ली मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती,
वैसे भी उसका आध्यात्मिक महत्व है सुबह सुबह दर्शन का जी। या आप देर रात चले जाओ तब कम भीड़ होती है। सावधानी बहुत ज़रूरी है, डर से काम नहीं चलेगा क्योंकि ज़िंदगी को चलाना है, तो ये ज़रूर मैं कहूँगी सावधान रहिए। वो जो नॉर्म्स बताए गए हैं ना वो सच में काम करते हैं कि आप आओ घर पे आके सैनिटाइज कर लो खुद को। अब मेरे हस्बैंड का भी काम ऐसा है कि बाहर जाना होता है, कोरोना पीक पे था वो पुणे गए थे इंस्पेक्शन का काम केबल का, बहुत लोगों से मिलना जुलना, बट वही दो रूल फॉलो किए कि मास्क लगा के रखना है और कहीं से भी आए तो सैनिटाइज हो जाना है, बस जी, वो तो है। लाइफ तो लाइफ मस्ट गो ऑन जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि आपने सुना देखा भी कि श्वेता मैम ने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र रहा वो हमसे शेयर किया, और काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपके आई जस्ट होप कि इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी ऐसे जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हो जिसमें उसमें लड़कियाँ भी शामिल हो, औरतें भी शामिल हो, हम तो चाहते हैं कि औरतें ज़रूर देखिए और इन सब बातों से प्रेरणा लेके वो उनकी जो भी ज़िंदगी की जिद है वो ज़रूर पूरी हो, और पूरी हो, हमारी यही कामना है कि उनकी सारी ज़िंदगी की जो भी कामनाएं हैं वो पूरी हो और ज़रूर पूरी होगी। तो बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आगे चल के कभी मुलाकात हो तो ज़रूर आपसे और गुफ्तगू हो जाएगी। तो आपने जैसे कि पहले कहा कि आपको उर्दू में काफ़ी कुछ ये, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिए हमारे दर्शकों के लिए उर्दू में दो अल्फाज आप ज़रूर बयां कीजिए। एक तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, एक हट के आपने एक प्रोग्राम किया है और ये बहुत पॉजिटिव नोट्स, एक लोगों में पॉजिटिव वाइब्स इसके ज़रिए पहुँचेंगी। तो आपने कहा है उर्दू में कुछ कहने की बात, तो इस समय का जो माहौल है उसमें सब लोगों के जोश को बनाए रखना ज़रूरी है, इसलिए सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, इसलिए ज़िंदगी को पूरी जिंदा दिली से आप जिए। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें हमसे साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि नारी शक्ति जो है वो ना कभी थकती है और ना कभी रुकती है, और नारी शक्ति को हमारा सलाम है। बस आज की इस खास पेशकश में आपके लिए इतना ही, आपसे फिर कल फिर मुलाकात होगी एक नई नारी शक्ति को लेकर। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ, नमस्कार।